नवंबर महीने के टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसको आपको जो है वो ज़रूर फिल करना चाहिए। और ये जो वैकेंसी आई है दोस्तों, उसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं है, यानी और 10th लेवल पे दोस्तों जो है वो वैकेंसी आई है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है इस नवंबर महीने में, जिसे आपको ज़रूर फिल करना चाहिए। तो वैकेंसी मैं दोस्तों यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो जो है वो बना चुका हूँ। अगर मान लीजिए आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है, तो जा करके आप लोग जो है वो प्ले लिस्ट में जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आइए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे नंबर एक पर है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, जो कि वैकेंसी इसका जो है वो अभी चल रहा है दोस्तों, इसका फॉर्म जो है अभी भरा जा रहा है और इसका लास्ट डेट जो है वो दोस्तों 30 नवंबर है, ठीक है ना। टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 24,369 पोस्ट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और उसमें लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर को रहेगा, ठीक है ना। यानी कि अभी फॉर्म भरा जा रहा है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर फॉर्म जो है जाकर के फिल कीजिए। और दोस्तों एग्ज़ाम डेट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो जनवरी 2023 में ऐसा बताया जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो हो। एज लिमिट की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा, जिसके लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज दोस्तों वो 23 साल होना चाहिए। आप सभी को मालूम ही होगा कि ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को जो है वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो एज रिलैक्सेशन जो है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल यानी कि इस फॉर्म में भी आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम एज यहाँ पर 23 साल है, बीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए ये 26 साल का हो जाएगा, और जो एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये 28 साल का जो है वो उम्र हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाई स्कूल पास, बस अगर मान लीजिए आपके पास हाई स्कूल पास है, आपके पास कितना भी परसेंटेज हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों हो, कोई मायने नहीं रखता, बस आप जो है वो हाई स्कूल पास होने चाहिए तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों अगर मान लीजिए सिलेबस की बात करेंगे, तो आपको मालूम ही है जैसा कि मैंने डिटेल में वीडियो में बताया था आपको कि इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लीजिए सिलेबस की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें से जो है वो हिंदी और इंग्लिश से जो है वो चूजेबल होता है, यानी कि आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। मेरी मानिएगा तो आप लोग हिंदी को चूज़ कीजिएगा। उसके अलावा रीजनिंग, जीके, जीएस है ना, इससे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 80 रहेंगे, जिसके लिए 160 नंबर जो है वो निर्धारित किया गया है दोस्तों। मैं पूरा डिटेल्स वीडियो बनाया हूँ, अगर मान लीजिए आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों पहला वैकेंसी जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की है। और दोस्तों अगर हम लोग दूसरी वैकेंसी की हम लोग बात करेंगे, तो ये आया है परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि एएमडी। इसके लिए टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो 321 टोटल पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, 321 टोटल पोस्ट है, जिसके लिए लास्ट डेट 17 नवंबर को है। मान लीजिए आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है, तो आप अभी जा करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों पेट डेट की अगर बात करेंगे, यानी कि सबसे पहले इसमें जो है वो फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में होगा, पहले फिजिकल होगा दिसंबर 2022 में, और उसके बाद सीबीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, वो जा करके होगा आपका जनवरी 2022। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 17 नवंबर 2022 से जो है वो एज को काउंट किया जाएगा दोस्तों, और जिसके लिए एज जो है आपका मिनिमम एज 18 मांगा जा रहा है, और मैक्सिमम एज आपका जो है वो 27 साल तक होना चाहिए। और दोस्तों जैसा कि एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे, तो आप लोग को मालूम ही होगा कि ओबीसी में 3 साल और एससी एसटी कैंडिडेट के जो है वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। दोस्तों अगर मान लीजिए इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे, तो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो है वो हाई स्कूल पास अगर मान लीजिए आप हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, ठीक है। और एएसओ के पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। वहीं पर जेटीओ पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो आपके पास मास्टर डिग्री होगी, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है या ग्रेजुएशन नहीं है, तब भी आप जो है अगर हाई स्कूल भी पास हैं, तो दोस्तों आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो है वो एलिजिबल है, आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पे। दोस्तों आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर एक्स वाई ग्रुप के बारे में। दोस्तों इसके बारे में भी मैंने वीडियो जो है वो डिटेल से बनाया है, अगर शायद आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो दोस्तों आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें अगर हम लोग टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो 3000 से ज़्यादा पोस्ट हैं, ठीक है। अप्लाई डेट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो 7 नवंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट हो गया है, और इसका आखिरी डेट जो है दोस्तों वो 23 नवंबर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 23 नवंबर जो है वो इसका लास्ट डेट है। और ये जो भर्ती आई है दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की, ये अग्निवीर योजना के तहत है, ठीक है ना। अग्निवीर स्कीम जो है उसके तहत लॉन्च किया गया है, यानी कि आपको इसमें होता यह है कि 4 साल तक जो है वो
आप काम करेंगे, और उसके बाद क्या होता है कि 25% बच्चों को जो है वो रेगुलर कर दिया जाता है, 25% बच्चे को रेगुलर कर दिया जाता है, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए जानकारी नहीं है या फिर जो नए बच्चे हैं तो उनको, इनके लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों। आगे अगर हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम डेट की कि एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है, तो 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी 2023 के बीच में इसका एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है दोस्तों। दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं एज की कि एज क्या होने वाला है। जैसा कि आपको पता ही है कि एज में जो है पिछले साल क्या हुआ था, जब इसकी भर्ती आई थी इंडियन एयरफोर्स की भर्ती जब पिछले साल आई थी लगभग 3500 के आसपास, तो उसमें एज जो है वो 17 साल से लेकर के 23 साल तक दिया गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ है दोस्तों, क्योंकि उस वक्त 2 साल इसलिए बढ़ाया गया था क्योंकि उस वक्त कोविड चल रहा था, लेकिन इस बार क्या किया है इन्होंने कि एज जो है वो 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के बच्चे जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इन्होंने जो है वो 23 साल का जो क्राइटेरिया था उनको घटा करके 21 साल तक कर दिया गया। तो ये चीज़ आप समझिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो 12th पास बच्चे जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और उसमें जो PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जो है आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर XY ग्रुप के बारे में जो सिलेबस मैंने बताया दोस्तों। आप लोग वीडियो डिटेल से देखेंगे तो आपको उसमें जो है सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं IB सिक्योरिटी असिस्टेंट या MTS की। तो दोस्तों इसका जो पोस्ट जो है, इसमें टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1671 टोटल पोस्ट है दोस्तों। सिक्योरिटी असिस्टेंट के जो है वो 1521 पोस्ट है, और MTS के पोस्ट पे जो है वो 150 पोस्ट दिए गए हैं। अच्छा दोस्तों, इसका अप्लाई डेट जो है वो 5 नवंबर से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जो है वो इसे जो है अभी डिले कर दिया गया है, यानी कि विथड्रॉल कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि टेक्निकल रीजन के कारण जो है अभी इस फॉर्म को जो है अभी फिल नहीं किया जाएगा, यानी कि अभी कुछ दिन के बाद जो है, मतलब कैंसिल नहीं किया गया है पूरी तरीके से, आप बात को समझिएगा, ठीक है ना, पूरी तरीके से कैंसिल नहीं किया गया है, लेकिन टेक्निकल इश्यू के कारण जो है अभी इस फॉर्म को डिले कर दिया गया है, यानी कि आगे चल करके 2, 4, 5, 10 दिन या फिर जब भी उनका जो है वेबसाइट में जो भी प्रॉब्लम हुआ, अगर वो सही हो जाएगा तो उसके बाद ये वैकेंसी जो है वो आ जाएगी। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ, पहले आप देख लीजिए, ये प्रूफ देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया होगा कि उसमें जो है कुछ IB के जो फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS के पदों पे जो भर्ती होने वाली थी दोस्तों, इसका ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होने वाला था वो टेक्निकल इश्यू के कारण जो है वो कुछ दिन स्थगित कर दिया गया है। तो ये आगे चल करके जो है इसका फॉर्म फिल होगा, अभी पूरा जो है वो सूचना मिला नहीं है दोस्तों कि कब इसका फॉर्म दोबारा जो है वो फिल होना स्टार्ट होगा। दोबारा क्या दोस्तों, अभी तो फॉर्म फिल होना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो जैसे ही अगर मान लीजिए कोई सूचना मिलती है दोस्तों, तो मैं आप तक जो है वो ज़रूर पहुँचाऊँ, लेकिन फिर भी दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल से मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों देखिए, अगर टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1671 टोटल पोस्ट है, जिसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट के जो है वो 1521 पोस्ट है, और MTS के पदों पर 150 पोस्ट है, यानी कि 150, ठीक है ना दोस्तों। एज लिमिट की बात करेंगे तो 25 नवंबर 2022 से काउंट होना है, और उसके बाद मिनिमम एज की बात करेंगे दोस्तों तो 18 साल, और मैक्सिमम एज की बात हम लोग करेंगे कि वे बच्चे जो MTS के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए मैक्सिमम एज 25 साल मांगा गया है, और वे बच्चे जो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए जो है वो मैक्सिमम एज 27 साल रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसमें आपको मालूम ही होगा कि OBC के बच्चों के लिए जो है वो 3 साल का छूट मिलता है, और SC ST कैंडिडेट को 5 साल का छूट मिलता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो दोस्तों हाई स्कूल पास छात्र जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में जो है आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज का मतलब जैसे कि आप बंगाल में रह रहे हैं तो आपको बंगाली आनी चाहिए, गुजरात में रह रहे हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए, है ना, UP में रह रहे हैं तो हिंदी आनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ होता है कि आपको लोकल लैंग्वेज की अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये 4 वैकेंसी है, और इसके अलावा एक और वैकेंसी आई है दोस्तों DRDO का, तो उसके बारे में मैं दोस्तों अभी नेक्स्ट क्लिप में मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों 5वीं जो वैकेंसी है वो DRDO में है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोस्तों आइए इसके बारे में जो है वो डिटेल से हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट की अगर बात करेंगे हम लोग DRDO में, तो 1061 पोस्ट निकल करके सामने आ रही है दोस्तों, जिसमें अप्लाई डेट की अगर बात करेंगे तो 7 नवंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट हो गया है, और 7 दिसंबर तक इसका फॉर्म जो है वो फिल होगा, ठीक है ना। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो 7 दिसंबर 2022 से काउंट किया जाएगा, यानी कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 27 साल होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 10+2 यानी कि इंटर होना चाहिए आपके पास, और उसके अलावा जो है हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग में आपको
जो है वो 35 वर्ड प्रति मिनट जो है वो टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि पोस्ट नेम की कौन कौन से पोस्ट पर जो है वो वैकेंसी आई है। तो देखिए दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंजीनियरिंग और दोस्तों स्टेनोग्राफर पे जो है वो वैकेंसी आई। तो देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए जो है वो जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों, ये 10+2 और हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग मांगा गया है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो स्टेनोग्राफर पे जो वैकेंसी आई है उस पर अगर बात करेंगे हम लोग क्वालिफिकेशन के, उसमें जो है वो ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप जो है स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे के लिए भी जो है वो एलिजिबल हो। ठीक है दोस्तों, टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 नंबर के रहेंगे टोटल और 60 मिनट का समय जो है आपको दिया जाएगा। दोस्तों अगर किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे तो मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और अंग्रेजी से सवाल आएंगे दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ये एक फेज में हो जाएगा। और सेकंड फेज में जो है वो आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, यानी कि लेटर्स वगैरह हो गए, निबंध हो गया है ना, ये पूछे जाएंगे आप दोस्तों। ये थी 5वीं वैकेंसी DRDO की। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग जो है वो इस वैकेंसी के बारे में जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो अगर मान लीजिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई सवाल तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।